नमस्कार दोस्त, एम स्कूल में आप लोगों का फिर से स्वागत है। मेरा नाम है अभिमन्यु और आप देख रहे हैं एम स्कूल। दोस्त, हमारे चैनल को अब तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो नीचे लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब कर लीजिए और पास में जो घंटी बटन आया उसको दबाकर ऑल नोटिफिकेशन कर लीजिए, क्योंकि मैं जब नया वीडियो छोड़ूंगा आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगा। वीडियो अच्छा लगेगा तो प्लीज़ एक लाइक कर देना और दिल में कोई बात पूछना चाहते हो, जानना चाहते हो मेरे बारे में तो एक कमेंट करना, और बहुत अच्छा लगा तो आपके फैमिली के साथ, आपके रिलेटिव के साथ, आप किसी भी के साथ आप मेरा वीडियो शेयर कर सकते हैं। तो वीडियो को पूरा देखिए और एंजॉय कीजिए। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। दो नारियल पत्ता ले लीजिए और नारियल पत्ता का जो बीच में स्टिक होता है वो वाला जो स्टिक है, ये जो देख सकते हैं आप, ये स्टिक, इस स्टिक को आपको निकाल देना है। तो मैं देखिए इधर निकल दिया, इस तरह से दो पत्ता हो जाएगा, ठीक है। और ये पत्ते का स्टिक मैं निकाल रहा हूँ। आप किसी तरह से किसी भी की मदद से आप स्टिक को निकल देना है, निकल के फेंक देना है। तो पत्ते का, ये पत्ते का भी स्टिक निकाल दिया, देख सकते हैं। और इस तरह से आप निकाल दीजिए और एक पत्ते का भी स्टिक निकाल। सबका जो राब हिस्सा है वो ऊपर की तरफ रखिए और सबका स्मूथ हिस्सा नीचे की तरफ रखना है, ठीक है। अब क्या करना है, इधर ज़्यादा नहीं लेंगे हम, इतना तक। देखिए आपका पत्ते का सरफेस देखना है ज़रूर, उसके बाद इतना तक, इतना सही है, इतना तक हम लेंगे और मोड़ देंगे, देख सकते हैं आप। हाथों की मदद से इधर अच्छे से मोड़ देना है। और अगर आप मेरा चैनल को फॉलो करते हैं तो इसको कैसे बनाना है आप जानते हैं। तो सबको निकल लीजिए और सबका छोटा वाला हिस्सा नीचे की तरफ रहेगा और बड़ा वाला हिस्सा ऊपर की तरफ। तो इस तरह करके आप देख सकते हैं सबका ऊपर का बड़ा वाला हिस्सा और नीचे छोटा वाला हिस्सा। अब इसको भी इस तरह से अंदर जाएगा, इस तरह से। अब इसका भी उसी तरह से अंदर आएगा और ये जो बीच में है छेद, इसमें दोनों जाएगा और सबको खींच लेंगे। सबका नीचे वाला हिस्सा छोटा पत्ता और सबका ऊपर वाला जो पत्ता है वो बड़ा पत्ता है, ठीक है। इस तरह से करके आपको लेना है और खींच के टाइट कर लेना है। तो ये टाइट हो गया। अब इस वाले पत्ते को अपने तरफ लेकर आना है और इस वाले पत्ते को इधर, आप किधर से भी स्टार्ट कर सकते हैं इस तरह से, और इसको उठाकर इसके अंदर ऐसे डाल देना है, देख सकते हैं, और खींच लेना है इस तरह से, देख सकते हैं इस तरह। अब इसको उलट दीजिए, उलट दिया। अब उलट देने के बाद देखिए ये जो पत्ता है आप इसको इधर ही कट सकते हैं, निपटा सकते हैं, पर आपका मर्जी है। आप इधर ही कट सकते हैं और नहीं तो आप थोड़ा सा बूंद लीजिए और कट कर सकते हैं। तो बाद में वो करेंगे, आप पहले इस वाले पत्ते को, हम छोटा वाला जो पत्ता है उसको कट कर लेते हैं। आप बाद में भी कट कर सकते हैं, नहीं तो पहले ही कट सकते हैं। सबका छोटा वाला पत्ता कटना है, ठीक है, बड़े वाले पत्ते को मत कट कीजिए। तो सबका छोटा वाला इस पत्ता कट कर दिया, चार पत्ता देख सकते हैं आप, चार पत्ता इसको हटाइए और मेन सब्जेक्ट है हमारा ये, इसमें फोकस कीजिए। तो इस वाले पत्ते को ऐसे करके लेना है, ठीक है। अब इस तरह से लेने के बाद क्या करना है, ये वाले पत्ते को इसको ऐसे उठाइए और इसको इधर उंगली रखिए और इसको इधर उंगली रखिए और इसको इस तरह से देख सकते हैं, इस तरह से पकड़ के रखिए और ये देख सकते हैं। और इसको इसके नीचे अंदर से छोटा सा जगह होगा, इसमें अंदर डालेंगे तो ये निकल आएगा और इसको इस तरह से खींच लेना है, देखिए। अब इधर भी वही चीज़ कर लेना है। अब इधर से खींच लिया तो इधर हाथों की मदद से दबा दीजिए इस तरह से, और इसको भी वही मेथड का यूज करेंगे हम, इस तरह से पकड़ के रखेंगे और इसको घुमाएंगे, घुमाने के बाद अंदर ऐसे डाल देंगे, निकल आएगा और इस तरह से हो जाने के बाद हाथों की मदद से दबा देंगे। सिर्फ इतना ही करना है आप लोगों को, पहले नहीं दबाना है, पहले जस्ट पकड़ के रखना है और फिर हो जाने के बाद इसको खींचकर दबा देना है। सही में बैठ जाएगा, सही में बैठ गया और इसको हाथों की मदद से दबा दीजिए। इसको हटाइए और ये नीचे वाला पत्ते को लेना है, ये हो गया। और इसको इस तरह से नीचे और इस तरह से अंदर और हाथी मदद से दबा देना है, ठीक है। अब देख सकते हैं अंदर चार पत्ता हो गया, एक दो तीन चार पत्ता हो गया। अब चार पत्ता हो जाने के बाद आपको क्या करना है, इसको हटाइए, ए वाले पत्ते को इस तरह से लेकर जाना है और इसको इधर ऐसे देख सकते हैं, ए वाले पत्ता इधर गया, इसको ऐसे उठाना है, स्ट्रेट इधर से लेकर जाना है, जाने के बाद इसको ऐसे, बहुत ही सिंपल सा है। और इसको अंदर डालेंगे तो इधर निकल आएगा और इसको खींच लेना है इस तरह से, ठीक है, हो गया। अब इसका बारी है, इसको हटा दीजिए, ये इसका इस तरह से और
इस तरह से मोड़ा हुआ रहेगा और इसके अंदर ये निकल आएगा और इसको आप खींचेंगे इस तरह से हो जाएगा। इसको हटाइए और इस वाले पत्ते का भरिए। सेम मेथड का यूज करके आप सबका कर लेना है, इतना तो आप समझ ही जाएंगे। ठीक है, इस तरह से लास्ट वाला पत्ता है, इसको भी वही मेथड का यूज करेंगे और ये हो गया, देख सकते हैं एक फ्लावर सा बन गया। अब इस तरह से बन जाने के बाद आपके पत्ते को देखिए, आप पत्ते का पत्ता इधर है, ये वाला पत्ते को देखिए, ये वाला पत्ता इधर है, इसको इस तरफ लेकर आना है, पत्ता इधर आना चाहिए। ठीक है, इसको करने के लिए आपको उलट देना है, इसको फिर से इधर, इसको इधर और इसको इधर और इसको इस तरह से अंदर डाल देंगे तो और हाथों की मदद से सबको दबा देंगे। तो देखिए इधर फिर से उलट दीजिए, देखिए आप इधर आ गया, आपको पत्ते को इधर जरूर लेकर आना है। ठीक है, इधर जब आ जाएगा तब आपको इस तरह से पकड़ना है, देख सकते हैं, और इधर ऐसे घुमाना है, देखिए इधर नीचे की तरफ नहीं। ठीक है, नीचे की तरफ आप करेंगे तो क्या होगा आपको दिखाएंगे हम, वो मेरे पास ऑलरेडी मैं बना के रखा हूँ। आप इस तरह के करेंगे तो थोड़ा सा अलग लगेगा, इस तरह से करेंगे तो थोड़ा सा वो अलग लगेगा, तो आप देखेंगे। तो इस तरह से नीचे की तरफ और इसको ऐसे उठाना है, अब इस तरह से ऊपर की तरफ करके इसके अंदर ऐसे लेना है और इसको देखिए ये छोड़कर ये दूसरे नंबर पे इसके नीचे से इस तरह से आप डालेंगे तो ये निकल आएगा और इसको इस तरह से खींच लेना है और इसको सही कर देना है। ठीक है, इस तरह से देख सकते हैं आप कैसे, अब इसको हटाइए, ये वाले पत्ते को भी वही चीज़ करना है। ठीक है, इस तरह से और इसके अंदर ऐसे डालना है और निकल लेना है। ठीक है, इसका बारी है, अपने तरफ मोड़िए और इसको घुमाइए और नीचे डालिए और ये देखिए बन गया। अब इसका बारी है, ये भी वही मेथड यूज करना है, अंदर डालना है और ये निकल आएगा और ये आपका बन जाएगा इस तरह से, देख सकते हैं। अब इस तरह से बन जाने के बाद आप बहुत सारे और भी बना सकते हैं कि अब इधर हमारा जो पुराना जो है इस तरह से बना सकते हैं, और नहीं तो आप इसको फिर से बना सकते हैं इधर डबल करके, जैसे कि हमने बनाया ये पीछे की तरफ हमने लेकर गया और डबल करके हमने बनाया, आप डबल करके भी बना सकते हैं इस तरह से। मैं डबल करके नहीं बनाऊंगा, इधर आपको नहीं दिखाऊंगा, आप डबल करने के बनाने लगे इसको फिर से इस तरह से लेकर इधर अंदर डालना है और ये देखिए फिर से आ गया। अब फिर से आ जाने के बाद आपको फिर से इधर से लेकर इसको अंदर डालेंगे तो डबल हो जाएगा। ठीक है, तो मैं इधर अब नहीं करके दिखाने वाला हूँ, अब इधर ऐसे हो जाने के बाद आपको इस तरह से बनाना है, देख सकते हैं। अब इसको उलट दीजिए, ये मेरा हर एक जो पे होता है आप जानते हैं, तो इस तरह से देख सकते हैं, दोनों तरफ देख के बनाना है आप लोगों को। और ये अंदर गया और ये देखिए ये हो गया और इसको अंदर डालना है और ये निकल आएगा इस तरह से, देख सकते हैं, खींच लेना है। अब ऊपर से देखेंगे तो इस तरह से लगेगा। ठीक है, अब फिर से आप एक बना सकते हैं, इधर कोने में इस तरह से भेजिए, इसको ऐसे नहीं, कोने में इस तरह से, इसको कोने में इस तरह से, इसको कोने में इस तरह से और इसको अंदर डालकर खींच लेना है, देख सकते हैं इस तरह से, और हाथ की मदद से इसको दबा दीजिए तो फिलहाल आपका टाइट हो जाएगा, आपका जो पत्ता है वो टाइट हो जाएगा। ठीक है, अब इस तरह से पत्ता टाइट हो जाने के बाद इधर एक आप फिर से बना सकते हैं इस तरह करके, देखिए हम दिखाते हैं, अब इस तरह करके और एक बना सकते हैं इधर। ठीक है, ऐसे ऐसे करके बना सकते हैं और एक, तो इस तरह करके, और ये वाले पत्ते को भी इसको ज़्यादा हिस्से को आप कट कर सकते हैं और ये जो पत्ता है आप इस तरह से ले सकते हैं और इस तरह से हो गया और इस पत्ते को कट कर सकते हैं और ज़्यादा हिस्सा को, सबका ज़्यादा हिस्सा को कट कर दीजिए और इस तरह से। अब कट कर लेने के बाद आपके पास स्टेबलर होगा, आप स्टेबल कर दे सकते हैं, तो इधर स्टेबलर है हमारे पास और इसको बीच में थोड़ा सा अब स्टेबल कर दीजिए और इस तरह से बन जाएगा, देख सकते हैं।
ठीक है। तो फिलहाल आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो पे, तब तक चैनल देखते रहिए एम स्कूल। ओके बाय बाय।